बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है, नाश्ता हो रहा है एंड फाइनली टुडे वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। आई एम सो एक्साइटेड या ओके, आई एम शोइंग यू द सीलिंग। या जिन रातों को मुझे नींद नहीं आती थी तो तब मैं ये प्लैंक्स जो लकड़ियों का ये प्लैंक्स हैं ये मैं गिनती थी रात को लिटरली। या एंजल इज ऑल्सो सो एक्साइटेड। तो बस हमारी पैकिंग हो गई है, वो वाले जो रूम में जो लकड़ी की चारपाई पड़ी है उस पर हमने जो है ना अपना खड्डा मड्डा अपना लगेज तैयार करके रखा हुआ है। और इधर में नाश्ता नहीं, ये साख्ती की चाय है, लाइक चाय चाश्त के टाइम की चाय है जो कि बीबी गुल पीती है। तो इनके लिए चाय बना रही हूँ और ये साथ में पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि हैदर गर्म पानी पीते हैं जी। आज हमारे पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं, लगता है कि इनको पता चल गया कि फाइनली वी आर गोइंग बैक टू आवर होम। ओके, तो इधर मैं हैदर के जूते साफ कर रही हूँ क्योंकि हैदर ने किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। इधर मोहल्ले के बच्चे आ गए हैं और बहुत उदास है हमारे पीछे हमारे जाने से, लाइक वो बोल रहे थे रुक जाओ थोड़े दिनों के लिए, लेकिन हमें तो फिर भी वापस आना है। वापस इसलिए आना है कि क्योंकि बीबी गुल इस बार हमारे साथ नहीं जा रही हैं। बीबी गुल जो है ना वो कुछ दिन यहाँ पे गुजार के अपने गम खादियानी करके जो है ना वो हमारे साथ जाएंगे। इसका मतलब है कि हम दोबारा आएंगे। हाय, चलिए जी, पूरा घर जो है ना हमने लॉक कर दिया है और बस फाइनली हम घर को गुड बाय बोल देते हैं। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अच्छा जी, तो गाड़ी की डिग्गी तो पूरी खचा खच भरी हुई है, तो उन्होंने सामान लाद के जो है ना मेरे ऊपर रख दिया है। और सीरियसली मैं बिल्कुल दब के रह गई हूँ, लाइक मेरे लैप में पूरा जो है ना सामान रखा हुआ है, लाइक इतना मैं दब के रह गई हूँ कि किसी को पता ही नहीं चला कि इधर कोई ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है। सिधरा बैठी हुई है इधर। अच्छा जी, तो लाइक जैसे कि बीबी गुल इस बार हमारे साथ नहीं जा रही हैं, वो अपने भाई के घर ही रुकेंगी क्योंकि उन्होंने जो है ना कुछ काम करने हैं, फिर वो हमारे साथ जाएंगे तो हम कुछ दिन अपने घर गुजार के जो है ना वापस आएंगे। तो सीरियसली हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि बीबी गुल हमारे साथ नहीं जा रही है और उनको छोड़ते हुए जो है ना मेरा दिल सीरियसली भर आया था। अच्छा जी, अम्मी ने मुझे पैसे दिए थे, मेरी अम्मी ने, कि अपने लिए और अपनी सिस्टर्स के लिए जो है ना एक जैसे सूट्स लो, और वो भी नरम गरम सूट्स जो कि आजकल बड़े ट्रेंड में है ना, यह है तो ये लिटरली नरम गरम कपड़ा है, नरम गरम सूट मैंने लिए। और उनके साथ जो है ना अभी मैं मैच करने गई हूँ कि शॉल मैच करने गई हूँ, शॉल मैचिंग ले लूँ उसके साथ, जो कि मैचिंग तो नहीं मिला, थोड़ा सा कंट्रास्ट ले लिया है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, तो वापसी पे आते हुए हैदर को कुछ लाल लाल टमाटर नज़र आए सेहतमंद से, तो हैदर ने बोला कि चलो टमाटरों की वीडियो बनाओ। वेल, अजीब सी बात है, टमाटरों की वीडियो बनाओ, तो चले मैं टमाटरों को भी वीडियो में ला देती हूँ। उधर एंजल खड़ी है, वो बटखेला के नहर को का नज़ारा इंजॉय कर रही है। एज आई टोल्ड यू कि बटखेला का बाज़ार जो है ना वो बिल्कुल पैरेलल है बटखेला नहर के साथ। इधर एंजल को जो है ना चाहिए थे कॉर्न कॉब्स, मुझे भी चाहिए थे। अच्छा जी, गाड़ी पे जब वापस आए तो पता चला कि यहाँ पे 200-200 में जो है ना सूट्स मिल रहे थे। वेल, हमने नहीं लिए, बट इट डेफिनेटली इंट्रीग्ड माई इंटरेस्ट। तो मैंने हैदर को बोला कि चलो देख ही लेते हैं कि क्या है। जब हैदर गाड़ी तक वो कपड़े लेके आए तो मैंने देखा कि 200 में जो है ना वो कपड़े मिल रहे थे जो हम गरीबों को दे देते हैं, तो लाइक पहने हुए ऑलरेडी यूज्ड कपड़े और बहुत ख़राब कंडीशन में वो मिल रहे थे। सो वाइल डोनेटिंग योर क्लॉथ्स, सोच समझ के जो है ना गरीबों को भी आप चूज़ करना, हर किसी को नहीं देना। अच्छा जी, हमें भूख लगी थी तो हम इधर आ गए, यह है बटखेला का रिनाउंड होटल सफदर होटल, हम इधर आ गए खाना खाने। वेल, फसाद तो बहुत ज़बरदस्त है, पता नहीं अब अंदर की हालात क्या है और पता नहीं इनके पकवान कैसे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऊँची दुकान फीके पकवान वाला मामला हो। लेकिन हैदर ने मेरे ख्याल से ऑलरेडी यहाँ पर वो खाना खा चुके हैं, तो वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं कि अच्छी जगह का तो पता नहीं है लेकिन खाने के अच्छे होते हैं। तो चले ऊपर, उफ अल्लाह जी, ये मेरे साथ हमेशा ही होता है कि मैं जहाँ पे जाती हूँ उधर लाइटिंग का बहुत मसला होता है। अगेन यहाँ पे डिम लाइट्स, ऑल्दो यहाँ पे एक बहुत बड़ा विंडो है लेकिन बाहर इतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर है कि अंदर लाइट ही नहीं आ रही है। लेकिन कोई नहीं, मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी यूज्ड टू है ना इन डार्क में ये देखने का। अच्छा जी, तो मैं ऊपर आ गई हूँ क्योंकि ऊपर जो है ना थोड़ी सी लाइटिंग अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बटखेला बाज़ार और ये सब कुछ दिखा देती हूँ।
लेकिन फिर ठंड की वजह से और नमाज़ पढ़ने की वजह से मैं फिर से वापस आ गई और क़िबला इस साइड पे था, लेकिन मैंने इसके बिल्कुल अपोजिट तरफ रुख करके जो है ना नमाज़ पढ़ी है। माय पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन। अच्छा जी, इधर मैं आपको ये खाना बदोशों का ये एक मोहल्ला टाइप दिखा रही हूँ। सीरियसली इट्स रियली इंट्रीग्ड माई इंटरेस्ट और मुझे बहुत अपील करते हैं खाना बदोश। ये लोग जो है ना अपनी दुनिया संवारने के लिए कभी ऐसा नहीं करते हम जैसे कि ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लें, जायदाद बना लें। बैंक बैलेंस नहीं आ रहा, जो इनके पास आज है बस वही इनकी ज़िंदगी है और कल की इनको तो लाइक कोई फिक्र ही नहीं होती। इनकी लाइफ मुझे बड़ी अपील करती है यारा। अच्छा जी, तो बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड थी सीरियसली, लेकिन मैं सिर्फ इनको देखने ऊपर आई थी, लेकिन बाहर कोई घूम फिर ही नहीं रहा था लाइक खाना बदोशों की फैमिली से। अच्छा जी, जब हम वापस आए और थोड़ी देर वेट किया तो खाना हमारा आ गया इस ठंडे ठंडे मौसम में, गर्म गर्म खाना, वाह वाह वाह। लेकिन लाइटिंग का अगेन मसला था, तो मैं फ्लैश लाइट्स ऑन करके आपको दिखा रही हूँ। पता नहीं आपको ये टेंटलाइज कर रहे होंगे कि नहीं, लेकिन हमारे लिए तो रियली इट वॉज माउथ वाटरिंग साइट। जी, खाना ख़त्म, पैसा हज़म, खाना तो हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन सुंदर जो है ना वो बॉटल को छोड़ ही नहीं रही थी, आखिरी इस घोंट तक वो जो है ना वो पीना चाह रही थी। ओके जी, अभी हम वापस जा रहे हैं विद अ गुड एक्सपीरियंस। लाइक हम रिकमेंड करेंगे कि हाँ, आप सबको असफ्तर होटल में खाना चाहिए, लेकिन ये बात है कि थोड़ा सा मेला कुचेला है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा जी, इधर हम नज़दीक आ रहे हैं मेरे गांव के पास, लाइक थाना से हम गुजर रहे हैं। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी हैवी, यू नो, ऑल्दो अम्मी नहीं है, अम्मी तो मर्दान में है, लेकिन फिर भी जब मैं अपने गाँव से गुजर रही होती हूँ तो यू नो मुझे हर टाइम अम्मी अबू की बहुत ज़्यादा याद आती है, और विद हैवी हर्ट यू नो मैं हमेशा ही क्रॉस करती हूँ अपने गाँव के चौक को। जी, तो अपने पेरेंट्स की जगह तो कभी कोई नहीं ले सकता, अल्लाह सलामत रखे सब के पेरेंट्स को ही। अच्छा जी, मैं आपको बताना भूल गई कि हम घर क्यों जा रहे हैं। हम घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल मेरे बच्चों का रिज़ल्ट है। ओह गॉड, ओके, वी रीच्ड अवर होम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम गाँव से क्या क्या लेके आए हैं आपको पता है? गाँव से हम सौगात लेके आए हैं अमरसों का और गुंजा खों का। ओह माय गॉड, बीबी गुल ने हमें ये गिफ्ट के तौर पे दिया है, मेरी सास ने। और जी, ये वो नरम गर्म सूट है जो मैंने थाना बटखेला में लिया था, मैं अपने लिए और सिस्टर्स के लिए। और ये वो थैला है माल्टो का जो मेरी अम्मी ने हमें दिया था के साथ लेके जाओ। तो जी, बस आज का व्लॉग यहीं तक था, आप सबका शुक्रिया, और कल मेरे बच्चों का रिज़ल्ट देखने के लिए मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।